Oh shit, here we go again. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं क्लासिक गेमर और आप लोग देख रहे हैं क्लासिक गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हर दिन हम लोग नए नए गेम खेलेंगे, एक दिन नया एक दिन पुराना गेम। कल इंशाल्लाह हमारी माफिया की सीरीज गेम वापस आएगी। तो यह गेम स्टार्ट होता है November 26, 2019। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप टू हार्वर्ड हॉस्पिटल। जी मैडम जी बताइए क्या खिदमत करें हम आपकी। आई आस्क द नर्स एंड मेरी इतनी ही इंग्लिश यहाँ पर मेरी ख़त्म हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गेम प्ले। इट्स अ नाइटमेयर हॉरर, एक हॉरर गेम है। मुझे बहुत दोस्तों ने रिकमेंड की है कि आप लोग क्या आप इसे खेलें और इसकी ऊपर वीडियोस बनाएं। अगर होती के बार वेदर हॉस्पिटल हैज एनीथिंग टू डू विद मिसिंग पर्सन केस। शुरू में फिर मीट विद डॉक्टर हार्वर्ड आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भाई जिधर भी आप लोगों को रेड लाइट दिखती है समझ जाओ कि वहाँ पर खतरा है। टेबल ऑफ फायर हमें आता है, हमें मत सिखाओ। लेसन नंबर वन, ओह शिट व्हाट इज दिस, ओह माय गॉड। अगर आप लोगों ने सिक्सटी ने गेम खेला है, ये बिल्कुल मेटल गियर का रेफरेंस मुझे दे रहा है। दिस गेम इज द रीमेक और द मिक्सचर ऑफ अ रेजिडेंट इवल, साइलेंट हिल एंड मेटल गियर सॉलिड। आप लोगों में से जिसने भी मेटल गियर सॉलिड गेम खेला है उसमें हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसे ही एक विलन होता है जिसका नाम होता है, मेरे ख्याल से फिलहाल मैं भूल गया हूँ, वर्ल्ड के नाम उसका होता है। वो बिल्कुल इसी तरह फायरमैन की तरह, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह है। सम आवर्स लेटर, जैसे कि हर हॉरर गेम में होता है, इसे भी बांधा गया है और वो डॉक्टर खड़ा हुआ है वहाँ पर। अब डॉक्टर हमें बताएगा कि यू हैव बीन इन अ कोमा फॉर 9 ईयर्स। अच्छा ये कोमा में नहीं है, चलो फिर देखते आगे क्या होता है। हमें टाइम ट्रेवलिंग मशीन में जा रहा है दोस्तों, टाइम ट्रेवलिंग मशीन। व्हाट इज दिस, व्हाट द कुक, ये क्या, ओह शिट। वेलकम टू द एंडलेस नाइटमेयर वियर्ड हॉस्पिटल। आज द गेम यहाँ से स्टार्ट, अच्छा यहाँ से गेम शुरू हो गया है। लेट्स प्ले आवर गेम। वेयर एम आई, व्हाट जस्ट हैपेंड। अरे भाई उठ, सुबह हो गई। अननोन एरिया, अच्छा ये भाई साहब तो यहाँ मरे पड़े हुए हैं। एंड दिस इज द हॉस्पिटल, व्हाट द फ, अभी ये क्या है। खेलने में और दिखने में दोस्तों आपको अजीब लगता होगा मगर ये खेलने में बहुत ही हॉरर मुझे लग रहा है। एंड दिस इज द, ये कैसा हॉस्पिटल है। चलो आगे बढ़ते हैं की तरफ, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मुझे पता है व्हाट, नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे लगा कि अब कोई जंप स्केयर होने वाला है। ये तो वापस ही ना, ये क्या है। दिस इज़ रियली क्रीपिंग मी आउट, मुझे तो बहुत धक धक हो रहा है। चलिए देख, चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो, लेट्स सी गाइस, हम प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉरर गेम्स खेले हुए। इट्स नथिंग फॉर अब, ओ शिट, ये वही रूम है रेड लाइट। जहाँ भी आपको हॉरर गेम हो या दूसरा गेम हो, जहाँ भी आप लोगों को रेड लाइट नज़र आ जाए, समझ जाओ कि वहाँ पर आपके लिए बिल्कुल ही ख़तरा नहीं है। आप लोगों ने वही उसी जगह जाना है जहाँ पर रेड लाइट होगा। दिस इज इट, ग्रीन लाइट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, जहाँ आपको रेड लाइट दिखे वहाँ पर जाना है। अच्छा सही है, इतना पढ़ना लिखना हमें आता तो हम यहाँ पर यूट्यूब के चैनल नहीं बनाते और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हम वीडियोस अपलोड नहीं करते यहाँ पर मुर्दा पढ़। अच्छा जी बात यह है कि मरे सब हुए सब के ऊपर शापर, लगता है सबको शापर से मारा हुआ है। अ सर्वाइवल नाइफ, टिपिकल हॉरर गेम। सबसे पहले हमें चुरी मिलती है, उसके बाद ज़ॉम्बी आते हैं। हाँ जैसे मैंने कहा था, लेट अस सी, नीड ईआर रूम की टू अनलॉक। वी हैव वन फर्स्ट एड, एक चुरी हमारे साथ है और कुछ भी नहीं। अच्छा लग तो ऐसा रहा कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर कोई वायरस माइरस गया हुआ है, ये हमारी टैलेंट की जगह है, वो सेव है। तो यहाँ पर हम अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। असैसिनेशन टैलेंट हेल्प यू टू स्ट्राइक एनिमीज फ्रॉम बिहाइंड।
क्या, तो हम यहाँ पर स्किल्स पॉइंट हासिल करेंगे, फिर उनको यूज़ करेंगे और उन स्किल पॉइंट से हम लोग स्किल्स लेंगे। स्टडीड, लेट्स गो। तो फिर रोज देने देने में ये तेरी बात, ये डाइम बिच यू डाई, बिच यू डाई, टेक दिस, लेट हाउस टेक दिस एंड वी शुड गो मूव ऑन फॉरवर्ड। बस मुन फॉरवर्ड, हमें चाबी मिल गई है, तो चलिए देखते आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। टिप टू गेट फ्री, हमें फ्री टिप्स चाहिए। मोबाइल गेम में एड ज़रूर आते हैं क्योंकि यही तो मोबाइल गेम्स का फंडा है दोस्तों। एंड लेट्स टेक दिस मैप, अ मैप ऑफ यार एरिया, वाइड राइवे का फेयर, माई बॉडी मस्ट हैव चेंज, आई होप दिस मैप विल हेल्प मी आउट। तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं, तुम्हारा सब कुछ बदल चुका है। सबसे पहले अपने नन्नों को देखो, चाहे वो तो बदला नहीं क्योंकि आजकल बहुत कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल सीन, हॉरर गेम्स, दिस इज व्हाट हैपन। यहाँ पर शूट द चेन टू ओपन द डोर। अच्छा, चोरी से नहीं, शूट द चेन। लेट्स गेट टू द ईआर रूम, की आर रूम की ये वाली जगह, ओपन द डोर एंड लेट्स गो इनसाइड। हैं भाई, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। आई सी देख ले, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मारना है उसे। हिल तो नहीं रहा, हिल रहा है, हिल रहा है। चलो देखते हैं, स्लो स्लो। गांड में चुड़ी घुसेड़ देंगे तेरी, तेरी गांड में हम लोग। अच्छा नहीं, मरा हुआ है। इन ज़ोंबी का कोई भरोसा नहीं, जैसे आप वो कोई चीज़ उठा देते हैं टिपिकल ज़ोंबी हॉरर गेम्स की तरह, पीछे से वो गांडू वापस उठ जाता है और वापस हमें उसे मारना पड़ता है। जेम्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जेम्स, सो यू कैन प्रोटेक्ट। ओह शिट, मैंने कहा था, फक 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 फक, अरे मर जा, मर मर मर, मर। गोली मार, गोली गोली, गोली, गोली सर पे। शिट, एक एक गोली गाइस, हमारे लिए एक एक गोली बहुत ही ज़रूरी है। गुड एनिमेशन, रिलोड वाले एनिमेशन बहुत साफ है। यहाँ पर हम तकरीबन चार वेपन्स, हम लगता है ये गेम बहुत ही हैवी होने वाला है क्योंकि जितने स्लॉट्स हमें वेपन के मिले हैं इसके हिसाब से हमें ज़ोंबीज भी बहुत बड़ी मिलेंगी। लेट्स टेक द सम कलर पिस्टल्स। भाई मेरे को इस हॉस्पिटल से निकलना है, मेरे को इस हॉस्पिटल से निकाल दो भाई, इस हॉस्पिटल से कोई मुझे निकाल दो। आई रियली हेट हॉरर गेम्स, आई डोंट लाइक इवन अ सिंगल मिनट ऑफ दिस गेम। सिर्फ आप लोगों के लिए खेलता हूँ, आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सपोर्ट, वीडियोस को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप ही लोगों के लिए तो मैं ऐसे ऐसे गेम्स खेलता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए। सिटी स्कैन रूम, ये हम लोगों ने दो पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पर कुछ रखना होगा, ये किसी गेम का रेफरेंस हमें दे रहा है। अच्छा मैप पे, मैप हमारा रेड हो रहा है। ओ हो, अच्छा जैसे ही मैप रेड होता है इसका मतलब ये है कि सामने कुछ कड़ा है। स्टेयर केस की कार्ड, यस लेट्स टेक इट। अच्छा ये अच्छा है कि ये अंदर है, ये अंदर ही रहे तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा तो यहाँ पर लेट्स टेक दी, व्हाट इज दिस, इज़ अ ग्लास, फेंकते हैं अगर है। लेट्स ट्राई दिस, व्हाट इज, ओ अबे पुछ के, अबे मदर, अबे शिट, अबे पिस्टल निकाल, पिस्टल 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 निकाल निकाल निकाल, अभी आ रहा है, गोली मार, गोली 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 मार मार मार, सर पे मारना है, सर पे सर पे सर पे, शिट, अबे मार 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 मार, अबे मार, शिट, मर गया, फो, यार, व्हाट इज दिस शिट, कसम खुदा कि मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड आई रियली हेट प्लेइंग हॉरर गेम्स, मेरा एड्रेनलिन लेवल बिल्कुल, ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल हाई हो जाता है दोस्तों। अच्छा तो कुछ इसके अंदर कोई एसएमजी वगैरह होगी, सप्लाई बॉक्स, ये छोटे गेम्स और एंड्रॉयड वर्जन के जो गेम्स, इसका मसला ये होता है सप्लाई बॉक्स, सप्लाई क्रेट, ये बनाओ वो बनाओ, इसके ये रोले बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ पर हमने लंडू जर्नक को मारा था। लेट्स गेट गोइंग, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नीड्स अ स्टेयर कास्ट, स्टेयर केस की,
चलिए बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। कुछ आवाज़ें तो आ रही है, बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक की तरह हम लोग ऐसे जाएंगे ताकि मुझे लगता है पीछे से कोई ज़ॉम्बी वगैरह आएंगी और हमारी टट्टी निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। नहीं, कुछ भी नहीं है। लेट्स गेट गोइंग। ओह, अभी कुछ आएगा पीछे से, हमें पकड़ कर ले जाएगा, फिर हमें जल्दी जल्दी बटन दबाने। द डैम स्टेयरकेस, आई फील आई हैव बीन देयर। चलो ऊपर की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओ, फ्लैशबैक सीन। अबे भोसड़ी के, जल्दी कर, या आगे जा या पीछे जा, कुछ कर। वापस एक और ट्राई देते हैं ऊपर की तरफ। थर्ड फ्लोर, व्हाट द, माजरत के साथ मुझे ये फक लफ्ज़ बहुत ही ज़ोरों से आ रहा है तो अभी मैंने बोल ही दिया। चल पीछे की तरफ जाते हैं, लेट्स गो बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, अगर वो आगे से रास्ता नहीं दे रही तो आप लोगों ने पीछे से जाना है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, ये तो वापस वही कमरा है। अच्छा, वो मरे हुए बाबा किधर गए? टी वी हैज़ नो सिग्नल, ट्राई अगेन। ओके, लेट्स गो दिस अपग्रेड, टेप टू अपग्रेड द गन्स। चलो इस गन को अपग्रेड कर देते, गुड वे। ओ बाय द वे, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बहुत ही हाई, बहुत ही कमाल की एनिमेशन है इस गेम की। उसकी उंगली को देखो कितना टक टक कर रहा है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। गन बैरल, साइलेंसर, एक्सटेंडेड मैगजीन। फिलहाल हम गरीब है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, वो चाचा उधर पड़ा हुआ है, यहाँ पर गेम सेव होता है। इट्स अ गेम सेव, गेम हम सेव नहीं करेंगे। वी, यू नो आई एम अ वेरी प्रोफेशनल खिलाड़ी। और टाइप टू ज़ॉम्बीज, चल बकराईद से पहले हम इसकी कुर्बानी कर देते हैं। वैसे आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग मैप, इट्स इट माइट कम हैंडी। उससे पहले तो इसको मार, वाह क्या चुरी मारी। अच्छा, मुझे इसे एक बात की समझ नहीं आ रही, ज़ोंबी को पिस्टल से अगर हम लोग उसके हेड शॉट ले ले तो वो मर जाता है, मगर चुरी से ज़ोंबी का मरना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट खैर, फ़िलहाल हो सकता है इस चुरी में कुछ जहर महर हो, कुछ और हो। इट्स अ काइंड, ये हमारा नाइफ है तो जाहिर सी बात इससे तो वो मरेगा ही। तो माफिया सीरीज़ भी हम लोगों ने स्टार्ट की है, माफिया सीरीज़ की गेम भी आने वाली है। एक दिन हम ये गेम खेलेंगे और एक दिन माफिया सीरीज़। गाइस, मेरे सारी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कॉर्नर्स 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 चेक करना लाजमी है। जब भी आप लोग हॉरर गेम खेलते हैं, आप लोगों ने कॉर्नर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि इसका इन बोसड़ी वालों का कुछ भी पता नहीं, कहीं से भी टपक जाते हैं और जब ये टपकते हैं तो हमारा निकल जाता है। डैमेज डैमेज। अच्छा, फ्रंटल लोब डैमेज, तो मैं समझ गया था इस अस्पताल में होता क्या है। दरअसल ये जो ज़ोंबीज हमें नज़र आई है, दरअसल ज़ोंबीज नहीं, ये इंसान है। इनके बस दिमाग ख़राब हो चुके हैं महंगाई की वजह से, और यहाँ पर इनके ऊपर एक रिसर्च करने होने जा रहा है जिससे इनकी माइंड्स कंट्रोल जैसा कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग में जो हमें सीन देखने को मिला वो मेटल गियर सॉलिड द फेंथ ऑफ फैन का रेफरेंस है। आप में से जिसने गेम खेला उसे पता चल। अच्छा, पीछे पीछे, किल दिस बास्ट, किल एम, ये तेरी बहन दी। ओ शिट, मिस मार, यस वन मोर वन मोर वन मोर। इधर इधर, ये तो चला गया। स्लोली स्लोली देखते हैं क्या दूसरे कमरों में देखते हैं। मुझे जंप स्केयर, आई रियली हेट जंप स्केयर। मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक गेम रिकमेंड की जिसका नाम है फाइव नाइट एट फ्रेडी, उसमें जंप स्केयर कुछ ज़्यादा है। तो उसको खेलने के लिए मैंने अपने सारे लाइट जला कर वो गेम में खेलता, क्योंकि आई रियली हेट जंप स्केयर। और अच्छा,
आहिस्ता ओके लेट्स गो दिस देयर चेक समर थिंग एलिस आई डोंट नो व्हाट टू डू टेप है द मेनी क्वीन हमें मेनी क्वीन ढूंढना पड़ेगा द फिगरीन ऑन द टॉप इज मिसिंग यहाँ पर कुछ रखना है हमें वी हैव टू फाइंड समथिंग एंड पुट इट हेयर गिलास गिलास उठाने का मतलब क्या है क्या इससे हम लोग ज़ोंबीज को ल्यूर मतलब हाँ इसके आवाज़ से हम ज़ोंबी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं अगर वो हमारे सामने है हमारा रास्ता बंद किया हुआ तो हम इसकी मदद से अपना रास्ता खोल सकते हैं ये दरवाज़ा बंद है और ये तो एनेस्थेटिक रूम की टू ओपन नहीं है हमारे पास इसकी चाबी जाते हम लोग यहाँ पर ये तो वही जगह है जहाँ से हम लोग आए हैं लेट्स ओपन दिस डोर दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली द वाटर रूम विच इंडियंस डज नॉट हैव ऑलराइट स्लोली स्लोली मैंने कहा था ना गाइस आप लोगों के आई एम रियली तो इसके पास है क्या इसके पास हमें दो नट बोल्ट मिल गए जिससे हम अपनी वेपन को अपग्रेड करेंगे चलिए कमान बढ़ते हैं जनाना बाथरूम की तरफ शूट दिस गाय एंड लेट्स ओपन दिस यहाँ पर हमें मिलता है क्या अच्छा तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट फिगर दैट सीम्स टू बी फिट ऑन समवेयर और समथिंग तो वो हम लोग लेकर वहाँ जाएंगे फिर भी कॉर्नर्स हमेशा चेक करते रहना है इनका कुछ भी पता नहीं लेट्स रन अच्छा गाइस तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होगी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें